मैं उम्मीद करती हूँ इससे पहले जो मैंने वीडियो भेजा था टिश्यू पेपर से फ्लावर बनाने वाला, वो आप सबने बनाया होगा, प्रैक्टिस किया होगा घर में। खूब रंग बिरंगे फ्लावर बनाइए, अपने घर को सजाइए, ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ आपको फलों का राजा, ठीक है। फलों का राजा किसे कहते हैं? फलों का राजा कहते हैं आम को, ठीक है। ये गर्मियों के सीज़न में पाया जाता है और अपने भारत में इसकी बहुत ढेर सारी वैरायटी मिलती है, जो कि अन्य देशों में नहीं होता है। सबसे ज़्यादा वैरायटी हमारे ही देश में होता है और ये बहुत ही अच्छा फल है, बहुत ही रसीला फल है। ये जब कच्चा होता है तो हरे रंग का होता है और खाने में बहुत ही खट्टा होता है, मगर जब ये पक जाता है तो ये येलो कलर का होता है और बहुत ही स्वादिष्ट और रसीला होता है, ठीक है। तो आज हम आपको बताएंगे कैसे हम स्केच कर सकते हैं फलों के राजा को और कैसे इसे कलर करेंगे, ठीक है। तो फॉलो कीजिए मेरे सारे स्टेप को और मेरे साथ बनाइए, ओके। मैंगो बनाने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए A4 साइज पेपर, ठीक है। ये पेपर आपको बहुत ही आसानी से स्टेशनरी के दुकान पे मिल जाएगा, ठीक है। तो A4 साइज पेपर, पेंसिल कलर, वैक्स कलर, पेंसिल, इरेजर एंड शार्पनर, केवल इतनी ही चीज़ की ज़रूरत है। इन सब चीज़ को आप अपने पास इकट्ठा करके रखिए और जैसे मैं बताती हूँ वैसे आप सारे स्टेप को फॉलो कीजिए और मेरे साथ बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो मैंगो बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, पहले हम यहाँ पर लिखेंगे मैंगो, ओके। मैंगो, MANGO, मैंगो, ओके। आप यहाँ बीच सेंटर में, बिल्कुल इस साइड नहीं इस साइड नहीं, बिल्कुल सेंटर में, जब भी हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए सेंटर का, ठीक है। सेंटर यानी कि बिल्कुल केंद्र में, बिल्कुल ना राइट साइड ज़्यादा ना लेफ्ट साइड ज़्यादा, बिल्कुल मिडिल में हमें बनाना, ठीक है। तो मिडिल का स्पेस देखते हुए हम बनाएंगे ओवल शेप। ओवल शेप बनाने के लिए डॉट 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 ही हमें बनाने हैं, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप पेंसिल चला दोगे, पेंसिल से बनाओगे, तो हो सकता है शेप सही ना बने और आपको बार बार इरेज करना पड़े, और बार बार इरेज करने से निशान पड़ जाता है, ठीक है। इसलिए हमें ध्यान रखना है। सारे डॉट्स मैंने बना दिया है और मुझे लग रहा है कि बिल्कुल परफेक्ट बना है, तो मैं सारे डॉट्स को मिला दूंगी, ओके। आप भी मेरे साथ बनाते चलो, सारे डॉट्स को हम मिलाएंगे इस तरह, और फिर इस ऊपर की ओर से हल्का सा अंदर की ओर लाइन घुमाते हुए नीचे की ओर जाकर हमें इसे मिला देना है, और बाकी जो ये लाइन जो एक्स्ट्रा लाइन बनती है इसे हमें क्या करना है, कट करना है, इरेज करना है। लग रहा है ना मैंगो, हाँ ठीक, इसी तरह आपको भी बनाना है। और अब इसके स्टेम बनाएंगे, और बीच में जो लाइन आ रही है इसको भी हम इरेज करेंगे, और अब क्या बच गया, अब हमको इसकी लीफ बनानी, ठीक है, पत्ती बनानी है। तो पत्ती बनाने के लिए एक लाइन इस तरह कर्व करते हुए नीचे की ओर लाकर फिर टर्न लेना है, और बैक साइड से जाके इधर की ओर इसको मिला देना है, ठीक है। और फिर इस लाइन को यहाँ से लेते हुए और इसको यहीं पे हमको मिलाना है, बस इतना, क्योंकि बाकी की पत्ती तो मैंगो के पीछे है, ठीक है, क्लियर। और बीच के इसका जो वेन होता है उसको हमें बनाना है, सारी वेन्स को इस तरह। हमने मैंगो को पिक्चर को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो हम तो इसको पक्का आम बनाने वाले हैं, तो पक्का आम को किस कलर का होता है, जल्दी बताओ किस कलर का होता है, येलो, वेरी गुड, येलो कलर से, ठीक है। तो हम येलो और लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन दोनों को यूज करेंगे, ठीक है।
ऊपर से नीचे की ओर हम इसे कलर करते आएंगे। सबसे पहले किनारे की तरफ को करेंगे और बहुत ही आराम से धीरे धीरे करेंगे ताकि कलर जो है लाइन के बाहर बिल्कुल ना जाए। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी भी पिक्चर को आप कलर करते हैं तो कलर जो है लाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छा बना रहे हो और कलर सही से नहीं कर रहे हो ना तो सारा मेहनत आपका बेकार हो जाएगा। इसलिए आराम से, बहुत ही आराम से, ये भी नहीं कि एक साइड कर लिया फिर दूसरे साइड करने लगे, नहीं, एक साइड से आप करते आओ, एक साइड से करते आओगे तो वो अच्छा होगा। थोड़े थोड़े भाग को फिल करते चलिए, इजी है, बहुत इजी है। या तो आप ऊपर से नीचे की ओर जाओ या तो नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। इधर से भी आप कर सकते हो और नीचे की तरफ से भी कर सकते हो, मगर बीच बीच में जगह नहीं छोड़ना है। इस तरह आराम से पूरे मैंगो को हमको क्या करना है, येलो कलर। पेंसिल कलर से कर सकते हो, चाहे तो आपके पास मोम वाला कलर है ना वैक्स, वो भी आप यूज कर सकते हो। जहां जहां कलर बिल्कुल मिक्स नहीं है, आपको व्हाइट दिख रहा है तो उधर आप फिर से डबल चढ़ा दो और फिर इसमें हम हल्का सा ग्रीन भी ऐड करेंगे, ठीक है। देखा है ना मार्केट में मैंगो बिकता है ना, तो कोई कोई जो पक्का हुआ आम होता है वो ग्रीन भी दिखता है और येलो भी, इसलिए हम भी इसे थोड़ा ग्रीन शेड देंगे। आराम से इस तरह हमारा ये पक्का मैंगो जो है बिल्कुल कलर हो चुका और अब हम इसके रंग को ग्रीन से कलर करेंगे। बहुत ही आराम से धीरे धीरे अब इसको मैंने लाइट ग्रीन कर दिया और इस पे हमें डार्क ग्रीन का भी शेड देना है। कहीं कहीं हमें इसे डार्क भी करना है, ठीक है। और फिर अब लाइट ग्रीन लेकर इसकी पत्ती को ग्रीन करेंगे, पूरा फिल करेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि कलर लाइन के बाहर बिल्कुल भी ना जाए। लाइट ग्रीन मैंने कर लिया और फिर इस पे हम डार्क ग्रीन भी करेंगे, ठीक है। हल्का सा डार्क ग्रीन आउटलाइन को डार्क कर देंगे थोड़ा, और जो इसकी वेन्स है ना, लिप की वेन जो है उसको हमें क्या करना है, डार्क ग्रीन, ठीक है। इस तरह इस मैंगो को हमने कंप्लीट किया और अब आखिरी में इसको हम इसके आउटलाइन को क्या कर देंगे, ब्लैक पेंसिल से इसकी आउटलाइन को डार्क कर देंगे, ठीक है।
किस तरह ये मैंगो मैंने कंप्लीट कर लिया है, किस तरह बनाया है, ठीक है, किस तरह बनाया है स्टेप वाइज और किस तरह इसको कलर किया है सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। आप भी A4 साइज पेपर लाइए, अपने घर में बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, बाय बाय किड्स।